कुर्बानियां देनी पड़ी लोगों को, तब जाकर के 15 अगस्त को भारत देश आजाद हुआ। आजादी में सबसे बड़ा जो हमें हथियार मिला हुआ है वो वोट डालने का अधिकार है। जो अभी समय यहाँ पर मतदाता निर्वाचक सूची का तैयार हो रही है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें कि हम लोग वोटर्स लोग बना रहे हैं, उसमें जो है महिला मतदाता बहुत यहाँ पर जो है वो अनुपात में कम है, जिसके लिए उनको प्रेरित करने के लिए कि वो अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं और अधिक संख्या में जागरूक मतदाता बनकर आगामी लोकसभा चुनाव में वोट कर सके, इसके लिए आज हमारे जो बाल विकास विभाग है इसके आंगनबाड़ी वर्कर सारे आए हैं सारे तहसीलों से, और ये यहाँ पर एक रैली निकाल रहे हैं जिससे कि खास तौर पर महिला मतदाताओं को हम लोग जागरूक कर सके कि एक महिला तक है और सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन घर की महिलाएं देती है। तो वोटर लिस्ट में इस तरह का कि अगर किसी का नाम गलत जुड़ गया है उसका नाम कट जाए, किसी के नाम में अशुद्धि है उसका नाम ठीक हो जाए, और अगर कोई आदमी जो छूट गया है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से उसका नाम जुड़ जाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो आप सभी लोग अब पूछेंगे इसको? जी पूछेंगे। ओके, तो सभी लोग जब जाएंगे तो वहां पूछेंगे कि आपका नाम है कि नहीं है, और इस बात को आप हर जगह फैला देंगे अपने क्षेत्र में, जिससे कि इस समय नाम जोड़ने का काटने का सही करने का काम चल रहा है, तो अगर किसी का नाम नहीं है तो उसमें जोड़ सके। ठीक है, बहुत अच्छा। वोटर लिस्ट को सही करने का उत्तरदायित्व केवल ये नहीं है कि जो हम में से बीएलओ बन गए हैं खाली उन्हीं का है, बल्कि आप गांव में रहते हैं और घर घर में आप जाते हैं। जब आप घर घर में जाते हैं तो अपने काम के साथ साथ अगर खाली इतना पूछ लीजिए जिस घर में जाए कि भाई तुम्हारे घर में हर आदमी का वोट बना है, अगर आपके यहाँ कोई वोट नहीं बना है तो आप वोट बनवा लीजिए। ठीक, आसपास के लोग हैं आपके आंगनबाड़ी सेंटर में आने वाले जितने भी आपके लाभार्थी हैं उनके परिवारों की महिलाएं, जब उनसे कहें कि पहले तुम अपना वोट में नाम दिखाओ, लाके कहा तुम्हारा नाम आ गया है तब हम तुमको इस बार दें, खुशी खुशी ये काम करवाइए। और अधिक से अधिक जैसे सर ने बताया अभी आपको कि लगभग